हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल होम एंड हॉबीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ बहुत ही उपयोगी चीज आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, मैं आज कार्डबोर्ड का यूज करके बहुत ही सुंदर क्राफ्ट बनाने वाली हूँ। ऐसा क्राफ्ट देख के आपको बहुत यूनिक लगेगा, तो इसलिए वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। ये मैंने कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड पे जो है गमले की एक सेप का जो है मैंने कट ले लिया है, कटिंग कर ली है गमला जो होता है हमारा फ्लावर वास। और दूसरी तरफ मैंने दूसरे हल्के कार्डबोर्ड का जो है लीव्स और फ्लावर के लिए बनाया है। तो इस तरीके से मैंने इस पे कलर कर लिया। और जो मेरे पास गेहूं थे, वो गेहूं यानी कि वीट जो है वो मैंने फ्लावर वास पे फेविकोल की हेल्प से पेस्ट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर जो है ब्लैक कलर कर रही हूँ, इसकी स्टेम्स जो होते हैं, तने जो होते हैं उस पे मैं ब्लैक कलर कर दिया। और अब मैं इसकी लीव्स को एक नया लुक देने वाली हूँ। इस तरीके की लीव्स आपने शायद पहले देखी हो, लेकिन ये कुछ नया ही है इस तरीके से, इसलिए इसको पूरा देखें। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे मैंने गेहूं इस पे भी चिपका दिए। आधी साइड मैंने जो है गेहूं पेस्ट किए हैं और पत्ती की जो है आधी साइड मैं इसी तरीके से छोड़ दूंगी। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर जो मेरे पास फ्लावर वास था उस पे मैंने ब्लैक कलर किया है। ये मैंने डॉम्स के वाटर कलर यूज किए हैं। और हाँ, इसको ना ब्रश से मत करिए दोस्तों, क्योंकि ये ब्रश से नहीं हो पाएगा। और जो है इसके लिए मैंने कॉटन बड का यूज किया है। ये यहाँ पे मैंने कॉटन बड की हेल्प से इसको सारे में कलर को फैला लिया है। और इस तरीके से ये जो है मेरा फ्लावर जो वेस है इसका ये बन रहा है, रेडी हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर जो है कलर कलर मैंने इसलिए किया है इसमें, क्योंकि ये इसमें ना अट्रैक्टिव लुक देगा। अब इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने जो है इसपे एक राउंड शेप का मिरर अटैच किया है। ये इस तरीके से मिरर मैंने लगा दिया और अब इसको मैंने थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया है। अब मैं जो है पत्तियों को नया लुक देने वाली हूँ। पत्तियों में जो है मैं वही वाटर कलर यूज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे इनको ग्रीन कलर दिया है। ग्रीन कलर मैं इसमें भर रही हूँ। हाँ, ये भी जो है कॉटन बड की हेल्प से एक दूसरी छोटी सी बड लेके और जो है उससे करेंगे। इस तरीके से जो है आसानी से हो जाएगा। ब्रश से नहीं करना है, ब्रश से जो है ये इसमें बहुत समय लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं दूसरी साइड जो है पत्तियों की मैं ग्रीन कलर ऐसे ही कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इन चारों पत्तियों में वाटर कलर कर दिया है हरे रंग का। और इस तरीके से इनका जो है धीरे धीरे लुक उभर कर आ रहा है। कृपया मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखते रहें। अब यहाँ पर मैंने जो है जो कॉफी कप होते हैं ना डिस्पोजल वाले, वो यूज किया है। इससे मैं एक बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल अलग कलर का जो है लुक दूंगी इसको और फूल बनाऊंगी इससे। इस तरीके से कट कर लेंगे। इसको कट करना बहुत आसान होता है और ये लगेगा ही नहीं कि ये बिल्कुल मैंने कप से बनाया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर आपको दिखाई देगा। इस तरीके से मैंने इसको पहले तो लाल रंग से बहुत ही सुंदर रंग दे दिया है इसको। और अब देखिए मैं इसमें क्या करने वाली हूँ। इसका जो है कलर मैंने इसको पहले सारे में लाल रंग किया और उसके बाद मैंने एक राउंड शेप की कलर पेपर की जो है ना स्ट्रिप कट की। इससे भी मैं एक सुंदर फूल बनाने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसको मैंने काट लिया है। अब मैं यहाँ पर जो है इसको गोल गोल घुमाकर राउंड शेप में बदल लूंगी और ये जो है इस तरीके से करने के बाद एक फूल छोटा सा बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको मैं यहाँ पर फेविकोल लगा दे रही हूँ। लगाने के बाद फेविकोल इसमें जो है मेरे पास जो गेहूं रखे थे वीट्स जो है उसको मैं फिल कर दूंगी, और जो एक्स्ट्रा गेहूं रहेंगे ना इसमें तो उनको मैंने हटा दिया। और ये वाले जो है पेस्ट हो चुके हैं और इसी के ऊपर मैं इस छोटे से पीले फूल को लगा दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है तो कितना खूबसूरत फूल बनकर तैयार हो गया। लग ही नहीं रहा कि ये बिल्कुल असली नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल फूल ही लग रहा है। अब यहाँ पर जो ये था एक स्पेस बचा हुआ, यहाँ पर मैंने इस फूल को चिपका दिया है। अब मैंने इसकी जो तना है इसको इस फ्लावर वॉश से पेस्ट कर दिया है, चिपका दिया है। और यहाँ पर मेरे पास ये कुछ मिरर और रखे हुए थे, ये थोड़े अलग डिजाइन के हैं, तो इनको भी मैंने इसको अच्छे से लगा दिया। इससे जो है इस गमले का रूप और भी निखर कर आ गया। और तो देखिए, इस तरीके से आज की मैंने ये
वॉल हैंगिंग, फ्लावर वॉश वॉल हैंगिंग तैयार की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।